अचल चल से पाठ के समय जो अवगुण होए गाती अपनी दया से ध्यान देना सोए मैं अनजान मलिन मन ना जानो कोई रे अटपटवानी कोई मां समझो मेरी प्री भगत के अवगुण बहुत है करना नहीं ध्यान सिंह वाहनी मांबिके करो मेरा कल्याण धन मांबिके शक्ति शिवा विशाल अंग अंग में रम रही राते दिन दयाल शक्ति शक्ति दो मुझे करो तुम्हारा ध्यान पाठ निर्विघ्न हो तेरा सबका हो कल्याण हृदय सिंहासन पर बैठो मेरी मां सुनो विनय मम दीन की जग जननी वरदान मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से अंतकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के ध्यान से सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमास्तुते नारायणी नमास्तुते नारायणी नमास्तुते हे मई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय शिव मेरी लोकड़ा ठाकुर तेरी सदा ही जय कृपाल बाबा भैरो तेरी सदा ही जय सुए चोलिया वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा श्री वैष्णो देवा माँ जी दा बोल साचे दरबार की जयकारा ज्वाला मई जी दा बोल साचे दरबार की जयकारा कालका मई जी दा बोल साचे दरबार की जयकारा मां झंडे वाली जीदा बोल साचे दरबार की जय देखिए मेरी प्रार्थना ये चली से आपको मिले हमारे मंडल की ओर से कोई ने वापस नहीं देगा अपने साथ अपने घर ले जाएंगे अब सभी तरह आ जाइए मेरे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कॉर्नर में एक लाइन लगा ले वहाँ आपको फूल दिए जाएंगे सभी ने फूलों के द्वारा ही दरबार में माथा टेकने को रुपया पैसा लेकर आगे नहीं आएगा ज्योत के समक्ष केवल फूलों के द्वारा ही आप माथा टेकेंगे और माथा टेकने के बाद आप सभी ज्योत के सामने आकर के बैठ जाएंगे आप सब भी इधर आ जाइए यहाँ से फूल ले लें और माथा टेक के सभी नीचे ही बैठेंगे हे सचिया जोता माली माता तेरी सदा अय्या का महारानी के चरण देखिए जो माथा टेकते जा रहे हैं सभी ज्योत के सामने आकर के बैठेंगे हमारी फिर से प्रार्थना है ये और बार बार करते भी रहेंगे जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे ही बैठेंगे ये सोफा सेट्स और चेयर्स केवल उन्हीं के लिए रहेंगे जिन्हें कोई फिजिकली प्रॉब्लम है अय्या का महारानी के चरणों में हेलो गुणगान की शुरुआत करते हैं आह्वान के द्वारा सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं करते हैं माँ के नाम का पावन पवित्र आह्वान और आह्वान करने के लिए जा रहे हैं बड़े भैया आदरणीय श्रीराज सहगल जी
जयकारा जयकारा श्री वैष्णो देवा मां जी दा बोल साचे दरबार की जय सोम सोम दे परे भंडार तेरे मंगल मंगल करी महर वेले बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे वीर वीर दादा बख्शो दान माता शुक्र शुक्र करा मैं तेरा हर वेले शनि शांति दे होवे समान माता इतवार सबर ते यकीन होवे सतवार जगावा तेरी जोत माता सतवार ते आवा तेरा नाम माता सतवार जगावा तेरी जोत माता हे माता मातेश्वरी सर्व सुखों की खान मां देवन वाली एक है मांगे कुल जहान आज भी तेरा आसरा ते महारानी कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी मां आसरा ज्येष्ठ बारा मास मेरी दाती के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ मां देवन वाली एक है मांगे लाख करो नमस्से नमो नमः सदा भवानी दायनी गौरी गोत्र गणेश आठ पहर चौसठ घड़ी योचना दा ध्यान जय जमान प्रथम गुरु जी को वंदना फिर मनावा गणेश जय जय मां सिमरा माता शारदे कंठरों पर पेश जय जय मां मेरी आन रखना मेरी शान रखना भैया बेटे का तुम ध्यान रखना जय 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 मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां हरि जय जय माता रानी हरि जय जय माता रानी हरि जय जय माता रानी कर मेरा
झंडे वाली है, मेरा झंडे वाली है, कर मेरा झंडे वाली है, तेरी जय जय मदरा वाली है, तेरी जय जय मदरा वाली है, तेरी जय जय मदरा वाली है। ऊंचा भी करानिया जोता भी जगानिया, ऊंचा भी करानिया जोता भी जगानिया, मेहंदी भी लगानिया टिक्का भी सजानिया, मेहंदी भी लगानिया टिक्का भी सजानिया, कदों आएगी मेरी माँ, कदों आएगी मेरी माँ, कदों आएगी मेरी माँ, करेगी ठंडी छा, नमो नमो जय हो, नमो 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 नमो। बार बार बने उते का पया पैदा है, बार बार बने उते का पया पैदा है, बार बार बने उते का पया पैदा है, बार बार बने उते आएगी मां माता रानी दिल साडा कहंदा है, बार बार बने उते कापया पैंदा है, बार बार बने उते कापया पैंदा है, आवा वे कावा तिन चूरियां कुट कुट पावा, कावा वे कावा तिन चूरियां कुट कुट पावा, चूरिया कुट कुट पावा, जो सबकी चिंता दूर करे ओ चिंतपुर दी, जो सबके संकट आभर ओ चिंतपुर दी, जो सबकी चिंता दूर करे वो चिंतपुर दी, जो सबके संकट आभर वो चिंतपुर दी। जय 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 मुझे अपनी शरण में ले लो माँ ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ ले लो माँ, मुझे चरण कमल में 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 ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ ले लो माँ। दर दर भटका मैं आया तेरे द्वारे, आया तेरे द्वारे, दर दर भटका मैं आया तेरे द्वारे, आया तेरे द्वारे, जिंदगी है मेरी अब तेरे ही सहारे, तेरे ही सहारे, जिंदगी है मेरी अब तेरे ही सहारे, तेरे ही सहारे, तेरा दर छोड़ अब जाऊंगा कहाँ, तेरा दर छोड़ अब जाऊंगा कहाँ, तेरा दर छोड़ अब जाऊंगा कहाँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ ले लो माँ। दोनों हाथ तालियों के साथ, सुए सुए चोलिया बालिए राज माँ मेरी माँ, सुए सुए चोलिया बालिए राज माँ, तेरे गल फुल्ला वाले तेरे गल फुल्ला वाले हार लाटा वालिए मैया जी, गल फुल्ला वाले तेरिया जोता तो मैं वारे वारे जावा, मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा, मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा। गुदली आई मालन गुदली आई, गुदली आई गुदली आई मालन गुदली आई, गुदली आई गुदली आई मालन गुदली आई, गुद के ले आए गुद के ले आए गुद के ले आए मालन भवानी सेरा, गुद के ले आए मालन भवानी सेरा, गुद के ले आए मालन भवानी सेरा, फुल्ला वाला सेरा तेरा कलिया वाला सेरा, फुल्ला वाला सेरा तेरा कलिया वाला सेरा, फुल्ला वाला फुल्ला वाला
वाला मुल्ला 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 वाला तेरा मुल्ला वाला सेरा मैया जी हे मैया जी महनो महनो हे मैया जी महनो महनो झंडे वाली महनो महनो झंडे वाली महनो महनो पिंड मुरड़ी महनो महनो पिंड मुरड़ी महनो महनो हाड़ा वाली महनो महनो हाड़ा वाली महनो महनो मनसा देवी महनो महनो मनसा देवी महनो महनो चामुंडा रानी महनो महनो चामुंडा रानी महनो 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 मैया आग करा तेरिया जोठा तो मैं वारे वारे जावा मैं वारे जावा जोठा तो मैं वारे वारे जावा मेरी हरी जावा जोठा तो मैं वारे वारे जावा गुदलियाई मानन गुदलियाई 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 मानन गुदलियाई 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 मानन गुदलियाई हे महारानी का दरबार सबने मिल करके कहना हे दादाजी बहनों बहनों हे दादाजी बहनों 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 मैया आज कवा करिया जोता तो मैं वारे वारे जा मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जा बलिहारी जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा पालैया पालैया पीका पालैया 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 पीका पालैया दल मिल पीका पालैया दल मिल पीका पालैया सखिया ने पीका पालैया सखिया ने पीका पालैया आम आदमी पीका जूते आम आदमी पीका जूते आम आदमी पीका जूते आम आदमी पीका झूले जे हो झूले जे हो झूले बचिया नाल मात मेरी पीका झूले झूले बचिया नाल मात मेरी पीका झूले झूले बचिया नाल मात मेरी पीका झूले रापो मोरी के हम तेरी शरण आए बदिरा को गोरी के लाल हम तेरी शरण आए बदिरा को गोरी के लाल हम तेरी शरण आए शरण आए तेरी शरण आए शरण आए तेरी शरण आए शरण आए तेरी शरण आए रापो हो रापो गोरी के लाल हम तेरी शरण आए बतेरा को गोरी के लाल हम तेरी शरण आए बतेरा को गोरी के लाल हम तेरी शरण आए गणपति राखो मेरी लाज गणपति राखो मेरी लाज गणपति राखो मेरी लाज पूरण की जो सबके का पूरण की जो सबके का पूरण की जो सबके का गणपति राखो मेरी ओ गणपति राखो मेरी लाज गणपति राखो मेरी लाज ओ हो सदा रहे खुशहाल गणपति लाल जो व्रत में तुम्हें ध्याए तुम्हें ध्याए तुम्हें ध्याए ऋद्धि सिद्धि के दाता हो भाग्य दाता वो सब कुछ तुमसे पाए तुमसे पाए तुमसे पाए बिंद सुन लो मेरी आज बिंद सुन लो मेरी आज गणपति राखो मेरी लाज 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 राखो गोरी के लाल हम तेरी शरण आए राखो गोरी के लाल हम तेरी शरण आए राखो गोरी के लाल हम तेरी शरण आए 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 राखो 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 गोरी के लाल हम तेरी शरण आए राखो गोरी के लाल हम तेरी शरण आए राखो गोरी के लाल हम तेरी शरण आए बोले साजे दरबार की जय। देखिए आप सभी के पास जो चलीसे आए हैं खोल लीजिए और कोई नंगे सिर ना रहे। आप सभी के पास जो चलीसे आए हैं पेज नंबर 22 निकाल लीजिए 22 नंबर पेज हमारे भाई आपको दे भी रहे हैं जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए। इस चलीसे की बहुत सारी खासियत है फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वापस नहीं देना
इसमें ज्योति प्रचंड जब आप घर में करते हो उसमें कौन से मंत्र बोलने चाहिए वो लिखे हुए, इसमें माता रानी की आरती लिखी हुई है, वैष्णवी चालीसा लिखा हुआ है, गुरु वंदना लिखी हुई है, और जो सबसे बड़ी बात, जब जब नराते आए कभी भी नरातों के अंदर अपने घर में जागरण में चौकी में माता रानी की आरती नहीं करनी चाहिए, हमेशा माता रानी के नराते पढ़ने चाहिए, इसमें वो लिखे हुए हैं, आपको सारी उम्र काम आएंगे ये। माँ भगवती के दरबार नीचे बैठो जी, थल्ले बैठ सकते हो, जोत के बराबर नहीं, हाँ अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है वो माता रानी को पता है वो जरूर बैठे, नहीं तो सभी सिर पूरा ढक करके माँ के दरबार में बैठिए। आओ माँ भगवती के दरबार गुरु वंदना लेकर के आदरणीय भाई श्री पवन भल्ला जी। जयकारा श्री वैष्णो देव माजी दा बोल साची दरबार की जय। जयकारा अपने अपने गुरु महाराज जी दा बोल साची दरबार की जय। सभी चालीसा खोल लीजिए, पेज नंबर 22 निकाल लीजिए, 22 नंबर पेज सभी निकाल लीजिए, अपने अपने गुरु जी के चरणों में सभी ध्यान लगाइए, मिलकर सभी मेरे साथ गुरु वंदना कीजिए। गुरु गु मतलब अंधकार अंधेरा, रू मतलब रोशनी, अंधेरे से रोशनी मिल जाने वाले गुरु होते हैं। गुरु कैसे भी हूँ कभी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी जिंदगी में अपने गुरु बदलने चाहिए। जो आपके माता पिता ने आपके पूर्वजों ने गुरु धारण किए हैं उन्हीं को ही अपना गुरु मानना चाहिए। जिनके गुरु ना हो वो अपने माता पिता को अपना गुरु मानिए, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता जो हमें चलना बोलना माँ कहना सिखाती है। कहते भी हैं कि करता करी ना कर सके गुरु किए जब होए, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। एक गुरु ही है जो ईश्वर से माँ से मिलने का मार्ग बताते हैं। आइए अपने अपने गुरु जी के चरणों में सभी ध्यान लगाइए, मिलकर सभी मेरे साथ गुरु वंदना कीजिए। देवा मातो वरदान हमें, ताली बजाइए सभी। देवा दो वरदान हमें तेरे नित नित जो जगाए हम, देवा दो वरदान हमें तेरे नित नित जो जगाए हम, हृदय में बसा कर प्यार तेरा ये जीवन सफल बनाए हम, देवा वरदान हमें जीवन में कभी ना पाप करे, हर वक्त तुम्हारा जाप करे, इतनी कृपा बतयाप करे कभी तुमको भूल ना पाए, देवा मधु वरदान हमें सर पे हमको शक्ति प्रदान करो, दुख में न कभी घबराए हम, देवा मधु वरदान हमें, नए मान रहे अपमान रहे ऊंच नीच का ज्ञान रहे, हर वक्त तुम्हारा ध्यान रहे तेरी भक्ति में खो जाए हम,
देगा मधु प्रदान हमें दिल में न कभी इनकार करे अरे प्राणी का सत्कार करे दिल में न कभी इनकार करे अरे प्राणी का सत्कार करे हर दिन दुखी से प्यार करे दुश्मन को भी अपनाए देवा मधु प्रदान हमें नहीं चाहे संसार मिले नहीं दौलत का अंबार मिले तेरे चरणों का बस प्यार मिले भव सागर से तर जाए देवा मधु प्रदान हमें हृदय गैर कोई अपने ऐबों पर रख नजर गैरों के ऐब जिमाए हम देवा मधु प्रदान हमें आजाद तमन्ना है अपनी जब वक्त अखीरी आ जाए आजाद तमन्ना है आ जाए सर रख के तुम्हारे चरणों में हंसते हंसते मर जाए हम देवा मधु प्रदान हमें तेरी नित नित जोत जगाए हम देवा मधु प्रदान हमें तेरी नित नित जोत जगाए हम देवा मधु प्रदान हमें तेरी नित नित जोत जगाए हम सभी इन चलीसे को अपने झोली में रख लीजिए इन्हें कोई नीचे ना रखे और दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी उठाइए अपने दोनों हाथ ताली बजाते हुए अपने अपने गुरु जी के चरणों में सभी ध्यान लगाइए तेरी नित नित जोत जगाए हम 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 ये जीवन सफल बनाए हम ये जीवन सफल बनाए हम दुख में न कभी घबराए हम दुख में न कभी घबराए हम हंसते हंसते मर जाए हम हंसते हंसते मर जाए हम देवा माधो वरदान हमें तेरी नित नित जोत जगाए हम देवा माधो वरदान हमें तेरी नित नित जोत जगाए हम फिर में बसा कर प्यार तेरा ये जीवन सफल बनाए हम देवा माधो वरदान हमें तेरी नित नित जोत जगाए हम देवा माधो वरदान हमें तेरी नित नित जोत जगाए हम देवा माधो वरदान हमें तेरी नित नित जोत जगाए हम देवा माधो वरदान हमें जयकारा श्री वैष्णो देव मां जी दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा अपने अपने गुरु महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय यहाँ पे बैठ के कोई पानी नहीं पिएगा जिन्होंने भी पानी पीना है जहाँ व्यवस्था बनी है वहीं जाके पीजिएगा बोलिए सच्चे दरबार की माँ भगवती के दरबार में जब भी जयकारा लगाया जाता है दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगाया जाता है माँ को अपने हाथ दिखाइए माँ हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं सभी खुश नसीबी की नहीं है लेकिन माँ को दिखाने से सभी खुश नसीबी बदल जाएंगी जब भी जयकारा लगाएं जय घोष करें
दोनों हाथ ऊपर उठाकर करें, बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो आइए एक भजन कहते हैं, क्योंकि दशहरे का दिन है, रावण का भजन कहते हैं। कहते हैं कि रावण बड़ा जुल्मी था, उसने बड़े जुल्म किए, लेकिन जुल्म तो उसने किए, लेकिन किसके लिए किए? उसने अपने मुक्ति के लिए जुल्म किए, सीता को हरा अपने मुक्ति के लिए। अहंकारी था, अहंकार तो उसमें भरा ही हुआ था। तो आइए बहुत अच्छे बोले सुनिएगा, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आइए रावण का भजन कहते सभी। तुम मुझे क्या भला जलाओगे, मैं जलाऊं और मेरी लंका जली। कह रहा अगर जुल्मों की बात ही आती है तो मेरे ही जुल्म क्यों गिने जाते हैं कि रावण ने जुल्म किया, हरणाकश्यप, कंस, शिशुपाल, इन्होंने क्या कम जुल्म किए हैं, और मेरा ही पुतला क्यों जलाया जाता है? मेरा पुतला जलाते हो हर बरस, उनके पुतले तुम कब जलाओगे? हाँ तुम मुझे क्या भला जलाओगे, हाँ तुम मुझे क्या। उठाइए अपने हाथ, बजाइए ताली। अगर मैंने सीता हरी तो क्या गुना हुआ? मैंने तो अपनी मुक्ति के लिए सीता हरी, क्योंकि मुझे पता था अगर सीता हरूंगा तभी मेरी मुक्ति होगी, और मेरी मुक्ति हो जाती। लेकिन जितनी भी राक्षस जाती थी, इनका उद्धार कैसे होता? उनकी मुक्ति के बारे में उसने सोचा और कहता
कि मैं ही था एक जिसने प्रभु को वनों में रुला दिया, आज तक कोई प्रभु को भटका नहीं सका। मैंने प्रभु को रुलाया है पल पल, तुम्हारी को क्या रुला पाओगे, मुझे क्या भला जलाओगे, तुम मुझे क्या। मैं जला और मेरी लंका जली, तुम एक दिन जलाए जाओगे, तुम मुझे क्या भला जलाओगे, तुम मुझे क्या। छोड़ो प्रेता और राम की बातें, छोड़ो प्रेता और राम की बातें, छोड़ो प्रेता और राम की बातें, दिन है रावण तो रावणी रातें, आज घर घर में मिलेंगे रावण। खैर उस युग को छोड़ दो, त्रेता और राम की बातों को छोड़ो, आज कौन सी कमी है, आज भी तो हर घर में एक बदमाश पैदा होता है जो कि छाती फुलाकर चलता है। आज घर घर में मिलेंगे रावण, आग किस किस को तुम लगाओगे, तुम मुझे क्या भला जलाओगे, तुम मुझे क्या। उठाइए अपने हाथ, बजाइए ताली। आज रावण से राम डरते हैं, आज रावण से राम डरते हैं, आज रावण से राम डरते हैं, लखन सीता का हरण करते हैं, हक छीनता भाई का। वो एक युग था, रावण भी डर गया था राम से, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर घर में बदमाश होता है, बदमाश आदमी छाती फुलाकर चलता है, शरीफ आदमी अपने घर में बैठा रहता है। वो लक्ष्मण जिसने अपनी भाभी के पैरों की तरफ ही देखा, आज आए दिन आप किससे सुनते हैं। भरत जिसने कभी राज को देखा नहीं, आज बंटवारे में अगर एक इंच जगह भी किसी को ज्यादा दी जाए तो कोर्ट कचहरी हो जाते हैं। भरत था कभी राज को नहीं देखा। हक छीनता है भरत भाई का, शत्रुता शत्रुघ्न में पाओगे, तुम मुझे क्या भला जलाओगे, तुम मुझे क्या। मैं जला और मेरी लंका जली, तुम भी एक दिन जलाए जाओगे, तुम मुझे क्या भला जलाओगे, तुम मुझे क्या भला जलाओगे, तुम मुझे क्या। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जयकारा कोल बैठीदा, बोल साचे दरबार की जय। बहुत सुंदर हाजरी,
बहुत सुंदर हाजरी भला सामने लगाई गई और हकीकत भी यही है, तुम मुझे क्या भला रुलाओगे। मैंने सीता हरी हरी के लिए, हरी एक हरना और एक हरी भगवान श्री हरी भगवान राम जी के लिए, मैंने सीता हरी हरी के लिए, राक्षस कुल की बेहतरी के लिए मैंने हरी को रुलाया है बन बन, तुम हरी को रुला ना पाओगे, तुम भला मुझको क्या जलाओगे। मैं तो जलता हूं हर वर्ष, तुम तो एक दिन जलाए जाओ। ये दशहरा हम सब देखने जाते हैं तो ये रावण जो है जो बहुत चारों वेदों के ज्ञाता थे, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहे जाते हैं। अगर आप में से कोई श्री रामेश्वरम गया हो, सिर ढक लीजिए, छोटा सा किस्सा सुना रहा हूं, आपको बड़ा लाभ होगा। नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, इन्होंने पैसा बोलो थल्ले बैठ सकते, नीचे बैठो प्लीज, कुर्सी पे नहीं बैठना, कुर्सी या सोफे छोड़ दियो, सिर्फ उनके लिए जिन्हें फिजिकल प्रॉब्लम है, बाकी सभी कृपया नीचे बैठे। और इन्होंने पैंजी सीट रख लो जी, पैसा बहुत जी, इन्होंने सीट रख लो। मां भगवती का दरबार, एक बार जब जब सीता हरण के बाद भगवान श्री राम सीता माता की खोज करते करते सागर के किनारे पहुंचे और यह तय हो गया कि सागर के उस ओर रामेश्वरम पहुंचे कि उस ओर लंका में, वहां से लगभग 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर दूर लंका में मुझे ऐसा मौका मिला है, मैं वहां श्रीलंका हो गया हूं, तो नुमारा इलिया जगह है, नुमारा इलिया जहां पर आज भी अशोक वाटिका है, जहां पर सीता माता को रावण ने रखा था। और वहां जाने के लिए राम जी के आगे विचार आया कि हमें सेतु बांधना चाहिए। जब सेतु बांधने की बात आई तो उस समय राम जी ने कहा कि सेतु बांधने से पहले, ये जो मैं बात बता रहा हूं कोई बताया जा रही है बातें, सेतु बांधने से पहले मैं अपने आराध्य राम जी को, बता सर दो मिनट रोक लो, दो मिनट बाद मैं अपने आराध्य राम जी को, राम जी ने मन में सोचा मैं अपने आराध्य भगवान शिव को स्थापित करना चाहता हूं। उस समय हनुमान जी जामवंत जी के आगे राम जी ने कहा कि जाओ ऐसा कोई सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण लेकर आओ जो शिव को स्थापित कर सके। बहुत ही अंदर प्लीज बैठो, गल्ला खत्म नहीं होनी। जामवंत जी ने कहा कि इस धरती पर भगवान श्री राम जी से कहा कि इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है, वो है रावण। लेकिन रावण क्यों आएगा, क्योंकि आपने सेतु किस लिए बांधा है, लंका चढ़ाई करने के लिए। राम जी कहने लगे कि जामवंत जी आप जाओ, मेरी तरफ से एज ए पुरोहित एज ए पंडित आप उनको न्योता दो। जामवंत जी गए, रावण राम जी को पता था कि जो जामवंत जो रीछ जैसे, अगर आपने देखा भी हो रामायण में तो रीछ जैसे जामवंत जी हैं, राम जी को पता था कि वो उनके क्लासमेट थे, रावण के साथ इकट्ठे पढ़ाई की है जामवंत जी ने। जानबूझ करके राम जी ने किनको भेजा, जामवंत जी को।
जामवन जी गए, रावण ने वेलकम किया एज ए फ्रेंड। लंका दरबार के अंदर रावण ने पूछा भी आपका कैसे आना हुआ, कहते मेरे स्वामी ने भेजा है। कहते तुम्हारे स्वामी कौन है? कहते मेरे स्वामी त्रिकालदर्शी हैं, विष्णु अवतार हैं, स्वयं राम जी हैं। तब रावण कहने लगे कि किस लिए भेजा है? कहते वो शिव को स्थापित करना चाहते हैं। शिव को क्यों स्थापित करना चाहते हैं? कि शिव को इसलिए स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि वो सेतु बांधना चाहते हैं। सेतु क्यों बांधना है? कि आपसे युद्ध करने के लिए। तो लंका में जितने थे दरबारी सब मना करने लगे कि प्रभु, रावण से कहने लगे कि ये ठीक नहीं है, आप के लिए ठीक नहीं है। लेकिन रावण ने क्या कहा कि राजा के साथ साथ मैं एक ब्राह्मण भी हूं, मैं जरूर जाऊंगा। जामवन से कहा कि मित्र कल सुबह चलेंगे, तुम अपना संदेशा पहुंचा दो राम जी तक। अब अगले दिन रावण जामवन जी पुष्पक विमान में बैठे। पुष्पक विमान रामेश्वरम जाने से पहले नुवारा इलिया में आया। सुनना समझना, नुमारा इलिया पहुंचा। सीता माता से कहने लगे रावण कि तेरे बनवासी पति राम ने मुझे एज ए ब्राह्मण एज ए पुरोहित इनवाइट किया है, क्या वो जानता नहीं पति पत्नी के बिना शिव स्थापित हो नहीं सकते? तो चल मैं तुझे लेने आया हूं। सीता माता को सात पुष्पक विमान में बिठाया। पुष्पक विमान वहां से उड़ा, रामेश्वरम पहुंचा। रामेश्वरम में पहुंचने के बाद राम जी ने वेलकम किया। जब रावण और जामवन जी पुष्पक विमान से उतरने लगे, रावण ने कहा सीता से कि तुम नहीं उतरोगी जब तक मैं ना कहूं। पूजा शुरू हुई, हनुमान जी को भेजा गया शिवलिंग लाने के लिए। शिवलिंग लाने में देरी हो गई। इतने में रावण कहने लगे, राम क्या तू जानता नहीं कि बिना पति पत्नी के शिव को स्थापित किया नहीं जा सकता? तुम्हारी पत्नी कहां है? राम जी कहने लगे, आपको पता है मेरी पत्नी कहां है? अच्छा, मैं साथ लेके आया हूं। सीता माता को पुष्पक विमान से बाहर बुलाया गया। ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, ये मैं प्रमाणित है, भी बताऊंगा। सीता माता को बाहर बुलाया गया, पति पत्नी दोनों ने मिलकर के पूजा की। हनुमान जी को लाने में देरी हो गई। समुद्र की रेत से रावण ने कहा, सीता इस समुद्र की रेत से शिवलिंग बना और उसी समय सीता माता ने रेत का शिवलिंग बनाया, सफेद दूध की तरह रेत, और रावण ने उसमें प्राण डाले, शिव को स्थापित किया। अब राम जी ने कहा कि हे ब्राह्मण महोदया, आपने पूजा अर्चना की है, मांगिए क्या मांगते हैं। रावण अगर चाहता सीता मांग सकता था। रावण ने क्या मांगा कि राम अगर तुम विष्णु हो, राम अगर तुम विष्णु हो तो मुझे अगर तुमने कुछ देना है तो ये दो कि सबसे पहले मेरी प्रजा को तेरा धाम मिले, उसके बाद मेरे कुल के जो जन है सब तेरे धाम को जाएं, और आखिर में मुझे मुक्ति मिले, मैं भी तुम्हारे धाम को जाऊं। उस वक्त पहली बार राम जी ने कहा ऐसा ही होगा।
अब बड़ी लॉजिकल बात है, आप में से कोई मेरे को इजी हो जाएगा, आप में से कोई गया है श्री रामेश्वर, गए तुम याद है वहां पर जो पंडित है बताते हैं कि जो सीता माता के हाथों से ये शिवलिंग स्थापित है। बड़ी लॉजिकल बात है, हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले भगवान की पूजा करेंगे या शुभ काम करने के बाद करेंगे? तो सीता माता पहले कैसे आ गई सेतु बांधने से पहले? ये वो स्टोरी है जो हमारे सनातन धर्म में इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि हमारे सनातन धर्म में रावण को सिर्फ विलेन की तरह दिखाया गया है। और रावण चारों वेदों के ज्ञाता थे। जो अगर आप में से कभी कोई जाए तो बाहर बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, एनग्रेव्ड है पत्थरों के ऊपर श्री रामेश्वरम में, कि सीता माता के हाथों से स्थापित शिवलिंग। और हनुमान जी जो शिवलिंग लेके आए थे, जो लाने में देरी हो गई थी, वो काले पत्थर का आज भी शिवलिंग वहां पर अलग से रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है रावण जिन्होंने जय माता। तो आओ बहुत ही सुंदर हाजरी माता रानी के दरबार में भला साहब ने लगाई, ते आओ मिलके मां दे दरबार कमावे। ओ तेरी याद में छंडिया वाली जिस दिन मैं दिल चो बुलावा, मैं ओसे ही वेले मर जावा, मैं ओसे ही वेले मर जावा, मैं ओसे ही वेले मर जावा। दोनों हाथ तेरी याद में छंडिया वाली, तेरी याद में छंडिया वाली जिस दिन मैं दिल चो बुलावा, उसे ही वेले मर जावा, मैनू याद करा हर वेले, मैनू याद करा हर वेले जिस वेले तेनू याद ना आवा, मैं उसे ही वेले मर जावा, मैं उसे ही वेले मर जावा। दोनों हाथ ताली वाली साथ दिन रात दिल विच कोई ख्याल, 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 जिदे नाल रात सारा जग ओदे नाल, जिदे नाल रात सारा जग ओदे नाल, जिदे नाल रात सारा जग ओदे नाल, छड के तेरा द्वार जय हो, मैं छड के तेरा द्वार जे मैं होर किसे दर जावा। उठाओ दोनों हाथ कहो, मैं उसे ही वेले मर जावा, मैं उसे ही वेले मर जावा। रानिए नी तेरे उते बचिया दी आस, रानिए नी तेरे उते बचिया दी आस, रानिए नी रानिए नी रानिए नी रानिए, रानिए नी रानिए नी रानिए नी रानिए, रानिए नी तेरे उते बचिया दी आस, रानिए नी तेरे उते बचिया दी आस। दोनों हाथ सारे, रानिए नी तेरे उते बचिया दी आस, रानिए नी तेरे उते बचिया दी आस, आवेगी जरूर सानू एहो विश्वास, आवेगी जरूर सानू एहो विश्वास, आवेगी जरूर सानू एहो विश्वास। हुंदिया चढ़िया वाली जय हो, तेरे हुंदिया चढ़िया वाली जे मैं अपना हौसला टावा, मैं उसे ही वेले मर जावा, मैं उसे ही वेले मर जावा। माँ का दरबार दोनों हाथ ताली वाली साथ, तेरे बिना दाती है ये मेरा ते गुजारा नहीं, तेरे बिना दाती है ये मेरा ते गुजारा नहीं, आना फिर तरती ते होनु मैं दोबारा नहीं, आना फिर तरती ते होनु मैं दोबारा नहीं, आना फिर तरती ते होनु मैं दोबारा नहीं। मन मंदिर विच दाती है हो, मन मंदिर विच दाती जिन तेरी जोत जगावा,
वेले मर जावा, मैं उसे वेले मर जावा। इको अरदास सदा भर तेरी हाजरी, इको अरदास सदा भर तेरी हाजरी, चरणा चकट मेरी बाकी सारी जिंदगी, चरणा चकट मेरी बाकी सारी जिंदगी, चरणा चकट मेरी बाकी सारी जिंदगी। चंचल जिस दिन दा जय हो, चंचल जिस दिन दा दी जिन तेरी भेटा जावा, मैं उसे वेले मर जावा, मैं उसे वेले मर जावा। दोनों हाथ तालियों के साथ सारे सभी, एक तो सच्ची सरकार मां चंडियां वाली, एक तू सच्ची सरकार मां चंडियां वाली, सच्चा तेरा दरबार हो, सच्चा तेरा दरबार मां चंडियां वाली, एक तू सच्ची सरकार मां चंडियां वाली, एक तू सच्ची सरकार मां चंडियां वाली। सबसे पहले सुंदर हाजिरी लेकर के भाई दिनेश खुराना जी, एक बारी प्रेम से कहीं जय माता की। देखिए थोड़ा थोड़ा आगे आ गया, आप कहीं भी जाए ना, जागरण चौकी कीर्तन सत्संग अपना की कभी स्थान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इकट्ठे होकर बैठे हैं। अगर आप क्या कोई बात नहीं, हो आ जाएंगे आप आगे, आप क्या कहे कोई उठ के जाए ना, तुरंत आप आगे आ जाए प्लीज, आप ही मेरे भाई आप ही सभी आगे आगे आ जाए प्लीज, सभी इकट्ठे होकर के बैठे हैं। आप जो नंगे सर हैं प्लीज से ढके, आप मेरी प्रार्थना है, एक बारी प्रेम से कहीं जय माता की, एक बारी मिलके कह दो, आवाज नहीं है, एक बारी जोर से कह दे, जयकारा झंडे वाली जी का दरबार की। कौन कौन आए हैं माँ को मनाने, आयो सब तो पहला मैं बहुत बहुत बधाई दांगा पूरे परिवार नू, आई हुई साथ संग कहंदे ने जोत एक ते घर जगदी है लेकिन नसीब कईयां दे जग जांदे ने, कह दो जय माता दी, जय माता दी। आ कौन कौन स्वागत करेंगे माँ का, करेंगे मिलकर माँ के चरणों में हाजिरी भरते हैं कि आओ मात जी वाडा मंदिर सजाया है जोत जगा करके तानू घर विच बुलाओ। करो कृपा ओ माँ, करो कृपा माँ अपने बच्चियां ते, दियो आके सन्मुख दीदार सानू, मैया तरसन ने नैन नमाने मुद्दता तो, देव आके अपना प्यार सानू, महारानी के चरणों में हम सभी मिलकर एक अरदास करते हैं कि तेरे दरबार के पत्थरों से तेरा एक मंदिर बना रहा हूँ, और उसमें बड़ी श्रद्धा से तेरी एक मूरत सजा रहा हूँ, मंदिर देखने को तो आना होगा, मैया इस कदर तुम्हें बुला रहा हूँ। आज कौन कौन बुलाना चाहते हैं, केवल वही हाथ उठाना जो माँ को बुलाना चाहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे हाथ होने चाहिए, ये सजा नहीं है, सेवाएं मिलकर करेंगे तालियों के साथ सभी कहेंगे आओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया, अगर हमने से एक की भी पुकार चलेगी ना उस तक, उसके साथ साथ हम सभी का बेड़ा पार हो जाएगा। दोनों हाथ उठाएं, तालियों में कंजूसी नहीं करनी, दोनों हाथ उठाकर माँ का शुक्राना स्वागत करेंगे, आओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया, मात जी तोड़ा मंदिर सजाया, जोत जगा के तानू करिच बुलाया है,
जोत जगा के तनु करच बुलाया। उठाए दोनों हाथ और तालियों के साथ मिलकर श्री मां का स्वागत करें और मिलकर कहें आओ मात जी टाटा मंदिर सजाया। आओ मात जी टाटा मंदिर सजाया। बजाओ मात जी टाटा मंदिर सजाया। आओ मात जी टाटा मंदिर सजाया। जोत जगा के तनु करच बुलाया है। जोत जगा के तानू करच बुलाया है। जोत जगा के तानू करच बुलाया है। आओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया है। आजाओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया है। आजाओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया है। आजाओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया है। आइएगा एक बार दोनों हाथ उठाएं। कहते हैं दरबार में आकर ना केवल बैठने काफी नहीं है, एक बार दोनों हाथ उठा दे तालियों के साथ हाजिरी भरे। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो हेलो ये हो चंदन दी चौकी उते आसन बिछा के मां। चंदन दी चौकी उते आसन बिछा के मां। चंदन दी चौकी उते आसन बिछा के मां। तेरी सुंदर मूरत नु फुल्ला नाल सजा के मां। ऐ सुंदर मूरत नु फुल्ला नाल सजा के मां। सुंदर फूल दिनो फुलाना सजा के मां। जोत नूरानी विच मैं ध्यान लगाया है। जोत नूरानी विच मैं ध्यान लगाया है। ओ जोत नूरानी विच मैं ध्यान लगाया है। आओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया है। आजाओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया है। आजाओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया है। आजाओ मात जी तोड़ा मंदिर गोटे ते किनारी वाली चुन्नी मैं बनाई मां। गोटे किनारी वाली चुन्नी मैं बनाई मां। गोटे किनारी वाली चुन्नी मैं बनाई मां। बेटा जे कबूल कर तेरी बड़ी आई मां। बेटा कबूल कर तेरी बड़ी आई मां। बेटा कबूल कर तेरी बड़ी आई मां। मेवे ते फलां दा मैं भोग लगाया है। मेवे ते फलां दा मैं भोग लगाया है। ओ मेवे ते फलां दा मैं भोग लगाया है। आजाओ मात जी तोड़ा मंदिर सजाया 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 है। त्यानू भगत जी में लाज बचाई मां। त्यानू भगत जी में लाज बचाई मां। त्यानू भगत जी में लाज बचाई मां। बनिए आवाज मारी दौड़ी चली आई मां। बनिए आवाज मारी दौड़ी चली आई मां। पानी आवाज मारी दौड़ी चली आई मां। बंसी वी लाल तेरा उन क्यों बुलाया है। बंसी वी लाल तेरा उन क्यों बुलाया है। ओ बंसी वी लाल तेरा उन क्यों बुलाया है। कहते हैं ध्यान अगर ज्योति में नहीं तो फिर दर्शन कैसा। ध्यान अगर ज्योति में नहीं तो फिर दर्शन कैसा। फलक वो मेरे पास से होकर के गुजर जाती है और जब भी ध्यान लगाता हूँ तेरी ज्योति में मुझे हर शय में मांगी मां
नजर आती है। इधर उधर देखना छोड़ दो, ये जो हमें पल मिले ना, जो आया है ना वो मिलके जरूर जाएगा, उनका तो ज्यादा चिंता है। हमें जो पल मिले हैं क्यों ना माँ को मनाए, कौन कौन आया माँ को मनाने, आए उन थोड़ा थोड़ा क्या जो बहुत तानू कह रहे हैं, क्या जो प्लीज अपना के स्थान खाली ना छोड़ो, प्रार्थना है आप भी आगे आगे आ जाए, सभी इकट्ठे होके बैठे हैं आप, एक बार दोनों हाथ उठाए मिलकर हाजिर सभी करेंगे माँ के चरणों की। आओ मात जी थोड़ा मंदिर सजाया, मात जी थोड़ा मंदिर सजाया, आ जाओ मात जी थोड़ा मंदिर सजाया, एक बार दोनों हाथ तालियों के साथ, अगर मैंने बता दी ना ताली बजाने के फायदे, तो ये तालियां कहीं बंद नहीं होगी, आप कहीं भी जाएंगे ना जागरण चौकी कीर्तन सत्संग ये हाथ नहीं रुकेंगे, दोनों हाथ उठा बताएंगे फायदे उसके भी, दोनों हाथ उठा कंधे से ऊपर और मिलकर माँ का स्वागत शुक्राना करते हुए कहें, आओ मात जी थोड़ा मंदिर सजाया, आ जाओ मात जी थोड़ा मंदिर सजाया। अच्छा किने किने खुशी है माँ की, जो जगी है दो दो खुशी है पूरी परिवार, साड़ी पहन का विह भी है तो जोत भी जगी, किना किना खुशी, एक बार दोनों हाथ उठाए, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सभी कहेंगे तालियों के साथ, दोनों हाथ उठाकर, खुशियों की घड़ी ये आई है, खुशियों की घड़ी ये आई, ये मैं जो बोल रहा हूँ आपको सभी को समझ में आ रहा है, किने किने समझ आ रहा, उठाओ दोनों हाथ, फिर बोलते क्यों नहीं हो, दोनों हाथ उठाकर, खुशियों की घड़ी ये आई है, खुशियों की घड़ी ये आई है, हम सब ने चौकी सजाई है, हम सब ने चौकी सजाई है, तेरा माँ दर्शन पाने को, तेरा माँ दर्शन पाने को, श्रद्धा से ज्योति जगाई है, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय हो, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, वो खुशियों की घड़ी ये आई है, खुशियों की घड़ी ये आई है, हम सबने चौकी सजाई है, हम सबने चौकी सजाई है, तेरा माँ दर्शन पाने को, तेरा माँ दर्शन पाने को, श्रद्धा से ज्योत जगाई है, जय जय माँ, 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 हे सरस्वती मुझको स्वर देना, हे सरस्वती मुझको स्वर देना, मेरा कंठ सरों से मां भर देना, कंठ सरों से मां भर देना, हे सरस्वती मुझको भर देना, मेरा कंठ सरों से मां भर देना, मेरा कंठ सरों से मां भर देना, गुणगान मां करने, गुणगान मां करने आया हूँ, मेरी लाज सभा में रख लेना, जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय हो, जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, आइएगा दोनों हाथ उठाएं, कंधे से ऊपर हाथ होना चाहिए, कहते हैं मंदिर जाओ ना मस्तक रगड़ो तो मस्तक की लकीरें बदल जाती है, माँ के दरबार में प्रभु के दरबार में बैठे हैं ना, उसके नाम की हाजिरी भरेंगे ना ताली बजाकर, हमारे हाथों में जो भी बदनसीबी की रेखा ना मिट जाएगी, उठा लो दोनों तालियां देना, 1 2 1 2 3 स्टार्ट, हम सबको मां तेरा सहारा है, हम सबको मां तेरा सहारा है, मां तुम बिन कौन हमारा है, मां तुम बिन कौन हमारा है, आप में से कौन कौन मानते हैं हमें इस मां जगत जननी का सहारा है, कौन कौन मानते हैं, केवल वही हाथ उठाना जो इस बात को मानते हैं, और ये चलना ही नहीं, हम सभी कहेंगे तालियों के साथ, हम सबको मां तेरा सहारा है, हम सबको मां तेरा सहारा है, मां तुम बिन कौन हमारा है, झंडे वाली मैया, ऐ झंडे वाली मैया, तेरा दर हमें जान से प्यारा है, जय जय मां, 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 आइएगा बाप की बारी है, दोनों हाथ उठाएं तालियों के साथ, सभी मिलकर हाजिरी भरेंगे, दोनों हाथ उठाकर कंधे से ऊपर, जरा प्रेम से बोलो माता दी,
आवाज नहीं आई। जय माता दी, जरा मिल कर बोलो। जय माता दी, मेरी माँ भोली। जय माता दी, माँ भरती झोली। जय माता दी, डार भरेगी। जय माता दी, उसे पार करेगी। जय माता दी, खुले दवारे। जय माता दी, परे पंडारे। जय माता दी, कष्ट निवारे। जय माता दी, 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 बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय भैया जी की चौकी। हे हे हे, एक बार मिलकर कहें जय माता दी। जय माता दी। मेरे मंडल के भाई नहीं बोलेंगे, डॉक्टर की बात सुनने एक बार जोर से कह दो सच्चे दरबार की। आवाज नहीं है भौजी, एक बार मेरे को लाओ। तुसी आंटी जी तुसी भी आओ भौजी, इधर आओ। मां ने बड़ी कृपा की दी है और इन्हों के सदके असं इकट्ठे हुए हैं। भाजी तुम्हें मैं जकारा लगवा रहा, भक्ता की आवाज आ रही है, कट आ रही है, कट आ रही है आवाज, या तेज आ रही है? मैं जकारा लगवा रहा, कट आ रही है ना? तरह उसी जकारा लगवाओ को सच्चे दरबार की। बहुत सच्चे दरबार की जय। बहुत सचमाई सच्चिया पोता वाली माता तेरी सदाई जय। इसे कहते हैं अपने अपने ही होते हैं बेगाने बेगाने। जब मैं जकारा लगवा रहा था ना, इतनी ऊंची आवाज नहीं सी, कह दो जय माता दी। अच्छा किन्ना किन्ना खुशी आज, किन्ने किन्ने खुशी है आज। देखो बाऊ जी, जिन्होंने आधे हाथ उठाए उन्हें आधी खुशी है, जिन्होंने पूरे हाथ उठाए उन्हें पूरी, सब तो ज्यादा खुशी है बाऊ जी ने। देखो सब तो उच्चे हाथ इन्होंने है हूँ। तुम किसी बुलाने नहीं, थोड़े पेके आ गए ने, थोड़े भी आ गए ने, किसी ने नहीं बुलाना, अपने बच्चों नहीं बुलाना। देखना कि दिलों बधाई देना ना, कोई रुपया पैसा लेकर आगे नहीं आएंगे, कोई नंगे सर आगे नहीं आए, दिल से दिल की बधाई देते हैं। माँ के चरणों में नाच के मनावांगे मानू। मेरा वाली एनी माए अज मेरा दमी बरसा दे, जो मंगदे ने बछड़े तेरे उन्हां दी झोली पा दे। जो मंगदे ने बछड़े तेरे उन्हां दी झोली पा दे। तैयार हो सारे, कड़े कड़े तैयार ने, पक्की बात है। वन टू, वन टू थ्री स्टार। लगिया रौनक बड़िया मां तेरे मंदरा दे, लगिया रौनक बड़िया मां तेरे मंदरा दे, अज लगिया रौनक बड़िया मां तेरे मंदरा दे, अज लगिया रौनक बड़िया मां तेरे मंदरा दे, तेरे मंदरा दे सोने 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 मंदरा दे, सगता ते दर्शन खड़िया मां तेरे मन खुशी समाई, भगता दे मन खुशी समाई, ओ एक दूजे नू देन बधाई, ओ एक दूजे नू देन बधाई, एक दूजे नू देन बधाई, देन बधाई, देन बधाई। आपको खुशी नहीं है, है क्या नहीं है? एक बार एक हाथ उठाओ जिन्हें खुशी है, जिन्हें इससे ज्यादा खुशी है दोनों उठा लो, और जिन्हें इससे ज्यादा खुशी है ना एक बार सारे खड़े हो जाओ। दो मिनट की हाजिरी कहते हैं, जो इसके आगे नाच लेता है ना उसे फिर किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार खड़े हो जाए सभी मिलकर माँ का शुक्राना नाचते हुए कहें, अज नाम कुमारियां चढ़िया मां तेरे मंदरा दे, अज लगिया रौनक बड़िया मां तेरे मंदरा दे, ओ गल पाके, ओ गल पाके, ओ गल पाके मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे, ओ शेरा वाली जोता वाली जिन्नू कहंदे लाडा वाली, ओ सारी दुनिया तू दस लैण दे, ओ अज मैनू नच लैण दे, ओ चंगियां के मंदियां मैया जी तेरी बंदियां, ओ फिर भी मैं बहुतियां शरीफा कोलो चंगियां, मंदर मंदर ना कोई जाना माधी कमली मैं कवाणा, ओ मैनू कमली नू नच लैण दे, ओ जे मैनू नच लैण दे, आगे मैया दी अजनिया जे मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे नी मैनू
नचन मोहन दे छे नाल अज मेनू नच लैण दे ए मैं नचना मोहन दे नाल अज मेनू नच लैण दे ओ पैरां दे विच घुंगरू बन के पैरां दे विच घुंगरू बन के शाम अपने दी जोगण बन के शाम अपने दी जोगण अखा ला लिया उस दे नाल अज मेनू नच लैण दे ए मैं नचना मोहन दे नाल अज मेनू नच लैण दे ओ दुनिया तो मैं नचया बथेरा दुनिया तो मैं नचया बथेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा मैं की करना संसार अज मेनू नच लैण दे नचना मोहन दे नाल अज मेनू नच लैण दे मोहन ने मुरली बजाई है गोकुल विच तू बचाई है मोहन ने मुरली बजाई है गोकुल विच तू बचाई है सिर मार मुकुट रंग काला है सिर मार मुकुट रंग काला है इते गल में जंती माला है इते गल में जंती माला है जमुना तेरा सिर जाई है मोहन ने मुरली बजाई है मोहन ने मुरली बजाई है गोकुल विच तू बजाई है छवी में मन च बसाई मोहन ने मुरली बजाई मोहन मुरली बजाई अज नचना वे में नचना अज नचना वे में नचना अज नचना वे में नचना अज नचना 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 तेरे दरबार भैया जी असा नहीं संगना नचना तेरे दरबार भैया जी असा नहीं संगना अज नचना तेरे दरबार भैया जी असा नहीं संगना नचना तेरे दरबार भैया जी असा नहीं संगना तेरी भक्ति दे रंगा विच तेरी भक्ति दे रंगा विच तन मन अज असा रंग न मैया जी असा नहीं संगना अज नचना तेरे दरबार देखो मंगन वाले मौजा लुटिया ने देखो मंगन वाले मौजा लुटिया ने अज बंसी पुरी ने तेरे ते डोरा सुटिया ने अज बंसी पुरी ने तेरे ते डोरा सुटिया ने ओ तेरे नाम दे ओ तेरे नाम दे ओ तेरे नाम दे मा तेरे नाम दे बोल जे कर वो बचो साज लगना लाइया लाइया तेरे नाल यारियां जिंद जान मैं तेरे उते वारियां मेरे बंसी वाले आ मेरे मुरली वाले आ वन टू थ्री स्टार लाइया लाइया तेरे नाल यारियां मैं लाइया लाइया तेरे नाल यारियां लाइया लाइया तेरे नाल यारियां मैं लाइया लाइया तेरे नाल यारियां जिद्दी जान मैं तेरे उते वारियां मेरे बंसी वालिया ओ हरा ओ मेरे बच्ची वाले ओ हरा लाया लाया ओ
मिठी मिठी मुरली जद तू बजावे मिठी मुरली जद तू बजावे ओ मिठी मिठी मुरली जद तू बजावे मिठी मुरली जद तू बजावे दुनिया दा सब होश भुलावे दुनिया दा सब होश भुलावे अपना बना के सानू छड़ ना जावे लाई ते साडे नाल तोड़ निभाई मैं ता लग आईया सब बूहे जिद जान मैं तेरे उदेवारिया मेरे बंसी वाले ओ मेरे बंसी वाले ओ हरा लाया लाया संग संग तेरे सदा रास रचावा संग संग तेरे सदा रास रचावा ओ संग संग तेरे सदा रास रचावा संग संग तेरे सदा रास रचावा हर पल मैं तेरे नाल बितावा हर पल मैं तेरे नाल बितावा कमली कहे कोई पगली दीवानी हाल न जाने मेरा दुनिया से आनी प्रेम गंगा चिटुबिया में मारिया गंगा चिटुबिया में मारिया प्रेम गंगा चिटुबिया में मारिया गंगा चिटुबिया में मारिया जिद जान मैं तेरे उदेवारिया मेरे बंसी वाले ओ मेरे बंसी वाले लाया लाया एक बार दोनों हाथ उठा दें सभी दोनों हाथ उठाएं आप सब भी दोनों हाथ उठाएं और तालियों के साथ सभी कहेंगे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा हरि हरि गोपाल बोलो राधा राधा हरि हरि राधा हरि बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे मुरारे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सारे नु बहुत बहुत बधाई डांडिया की स्टिक्स आगे रख दें आप दरबार पर और सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं प्लीज जल्दी जल्दी बैठेंगे बैठ जाइए सभी जल्दी जल्दी बैठे प्लीज सभी बैठे जल्दी जल्दी बैठे प्लीज मेरी प्रार्थना है सभी बैठ जाए पंजी बैठ जाओ प्लीज ये जो बातें कर रहे हैं आप प्लीज बैठो
पैसे बैठो सारे, सभी बैठ जाए, बैठ जाओ। एक बारी प्रेम से कहे जय माता की, एक बारी मिलके कह दो। देखिए मेरी फिर से प्रार्थना है, जो खड़े हैं बातें कर रहे हैं प्लीज बैठ जाए यार, पेंची बैठ जाओ प्लीज, तू कह रहे हैं बैठ बिठा, इन्हों बिठा दो प्लीज। एक बारी प्रेम से कहे सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जय, जयकारा झंडे वाली जी बोल, सच्चे दरबार की जय। आप में से कौन कौन गए हैं माँ झंडे वाली के दरबार, क्या बात है। दिल्ली में माँ का पवित्र दरबार है, और गुनीजन कहते हैं जो वैष्णो देवी दरबार नहीं जा सकते ना, वो अगर माँ झंडे वाली के दरबार के दर्शन करें तो उन्हें उतना ही फल मिलता है जितना कि वैष्णो देवी दरबार की यात्रा का। आइएगा उसी सच्ची सरकार के चरणों में, और आज माँ झंडे वाली साक्षात यहाँ विराजमान है, आइएगा इनके चरणों का सजदा करते हुए। सच्चा तेरा दरबार, ओ सच्चा तेरा दरबार माँ चंडिया वाली। उठाए दोनों हाथ और तालियों के साथ सभी माँ का शुक्राना सजदा करते हुए कहे, दोनों हाथ उठाकर वन टू, वन टू थ्री स्टार। जे तू ना करे ते करें केड़ा, मेरिया सब जरूरत पूरियां लोकी तक दे बगुना मेरे, ते मैं तकदा रहमदा तेरियां। एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। सच्चा ते तेरा दरबार माँ चंडिया वाली, एक तो सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली, एक तो सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। और कहते हैं जब ये तीन देवियों का मिलन हुआ ना तो ये माँ चंडे वाली बनी। एक बार दोनों हाथ उठाएं, एक बार मैं बोलूं, एक बार आप सभी दोनों हाथ उठाएं। सरस्वती माँ लक्ष्मी जय माँ काली, सरस्वती माँ लक्ष्मी जय माँ काली, तीनों मिलकर एक हुई तो बन गई माँ झंडे वाली, तीनों मिलकर एक हुई तो बन गई माँ झंडे वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। दोनों हाथ खोले तालियों के साथ। मलिया फिर कद मलिया ना ओना माए दलिया, तेरिया दली जा माए जिन्ना आन मलिया, फिर कद मलिया ना ओना माए दलिया। ओ पावन तेरा प्यार, ओ, 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 ओ पावन तेरा प्यार माँ चंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली,
एक दो सची सरकार मां चंडियारी। ਡਿਗਿਆਨੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨ ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਤਰਦੇ ਚਰਨਾ ਤਡਿਗਿਆਨੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨ ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਤਰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਛੱਠੇ छठे मार मां चटिया वाली एक दो सची सरकार मां चटिया वाली एक दो सची सरकार मां चटिया वाली। तेरी कृपा महान माँ गुण तेरे गाए सारा ए जहान माँ ममता महान तेरी कृपा महान माँ गुण तेरे गाए सारा ए जहान माँ बंसी साहिल बलिहार बंसी साहिल बलिहार मां चंडिया वाली एक दो सची सरकार मां चंडिया वाली एक दो सची सरकार मां चंडिया वाली। आइएगा हम सभी मिलकर इस मां मंत्र का उच्चारण करेंगे। कोई हाथ ऐसा ना हो जो मां के चरणों की सेवा ना करे, कोई जीव ऐसी ना हो जो मां का नाम ना ले। दोनों हाथ उठाएंगे, तालियों के साथ सभी मिलकर हाजिरी भरेंगे। जो बातें कर रहे हैं मैं प्रार्थना करूंगा, बातें करें तो केवल माँ के नाम की। दोनों हाथ उठा कर माँ चंडे वाली नमो नमो, माँ चंडे वाली नमो नमो, माँ चंडिया वाली नमो नमो, माँ चंडिया वाली नमो नमो, माँ काल करानी नमो नमो, माँ काल करानी नमो नमो, माँ देवा रानी नमो नमो, माँ देवा रानी नमो नमो। आजा माँ आजा बच्चिया दा वास्ता, आजा 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 माँ आजा बच्चिया दा वास्ता, मैया आजा माए आजा बच्चिया दा वास्ता, आजा आजा माँ आजा बच्चिया दा वास्ता। आइएगा, कौन कौन चाहते हैं माँ हमारे घर भी है। हमारे आदरणीय बड़े भैया राजी कहते हैं घर के मंदिर में सरसों के तेल की जो जगोगे ना वो वहां भी आएगी, जरूरी नहीं है जागरण चौकी कराएंगे तो आएगी। दोनों हाथ उठाए, कौन कौन चाहते हैं ऐसे भाव, दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ आजा माँ आजा बच्चे आजा वास्ता, आजा आजा अखिया मेरिया तरस गईया ने दर्शन दे बिन तेरे, अगया मेरिया दर्द याने दर्शन दे बिन तेरे, बस है ओ अरमान है दादी तू कर आवे मेरे, बस है ओ अरमान है दादी तू कर आवे मेरे, ओ मेरे कर भी फेरा पाजा, मेरे कर भी फेरा पाजा, ओ मेरे कर भी फेरा पाजा, मेरे कर भी फेरा पाजा, उन लोन तेरी है आजा 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 बच्चिया दा वास्ता, आजा आजा आजा
मैं तेरे पैर च खलोवा मेरा दिल हो गया उदास मैं तेनू आंदी क्यों नहीं आ मेरा दिल हो गया उदास मैं तेनू आंदी क्यों नहीं आ बंसी कर परिया मैं तेनू आंदी क्यों नहीं आ बंसी कर परिया मैं तेनू आंदी क्यों नहीं आ। एक बार दोनों हाथ उठा दे माँ का शुक्राना हम सभी मिलकर करेंगे। कंधे से ऊपर हाथ होने चाहिए। दोनों हाथ तालियों के साथ कहेंगे रहोगे दूर चरणों से तो फिर खोना ही खोना है। इधर तो पीतल ही पीतल और उधर सोना ही सोना है। लेके जाना चाहते हो ना बड़ा सस्ता सौदा के आगे आ जाओ भैन जी आप भी आगे आ जाओ कोई बात नहीं बैठ जाएंगे। आइएगा महारानी के चरणों में आगे सुंदर हाजिरों के साथ भैया आदरणीय श्री राज सहगल जी। जयकारा कोल बैठी दा कोल सांचे दरबार की जय। सखनी चोली अड खलोता दाती तेरे द्वार ते कोई सहारा जद न मिलया आ गया दर बार ते नैना छम छम लाइया चढ़िया आई ना मारी मेरी दातिए आई ना मारी मेरी दातिए। आओ मिलके माँ दे दरबार कहिए संगता बढ़िया दर ते खड़िया संगता बढ़िया दर ते खड़िया आई ना मारी मेरी दातिए आई ना मारी मेरी दातिए संगता बढ़िया करते घड़िया करता घड़िया करते घड़िया आई नारी मेरी दादी आई नारी मेरी दादी। दोनों हाथ खोलो तालियां देना सुख ना दे नाल सुख ना दे नाल आइया कड़िया सुख ना दे नाल आइया कड़िया आई ना मारी मेरी दातिए आई ना मारी मेरी दातिए सगड़ा बढ़िया करते कड़िया सगड़ा बढ़िया करते कड़िया आई ना मारी मेरी दातिए आई ना वाली मेरी दादी। दोनों हाथ वन टू थ्री स्टार्ट। आई
सतनी चोली अडकलोता दाती तेरे द्वार ते सतनी चोली अडकलोता दाती तेरे द्वार ते कोई सहारा जद न मिलिया आ गया दर पार ते कोई सहारा जद न मिलिया आ गया दर पार ते नैना चम चम हो नैना चम चम हो लाइया चढ़िया नैना चम चम लाइया चढ़िया आईना बारी मेरी दादी ये आईना बारी मेरी दादी ये सगता बढ़िया डरते घड़िया सगता बढ़िया डरते घड़िया आईना बारी मेरी दादी ये आईना बारी मेरी दादी की मिलेगा तेनू मैया लाल दाद तोड़ के की मिलेगा तेनू मैया लाल दाद तोड़ के की मिलेगा तेनू मैया लाल दाद तोड़ के दर्शन हो दे दर्शन हो ना कर अड़िया दे दर्शन ना कर अड़िया आई ना मारी मेरी दादिए आई ना मारी मेरी दादिए सगला बढ़िया डरते घड़िया सगला बढ़िया डरते घड़िया आई ना मारी मेरी दादिए दोनों हाथ उठाओ तालियां देना सारे आने कहना देख मेरा हाल दादी पत्थर वीवा रोवे देख मेरा हाल दादी पत्थर वीवा रोवे देख मेरा हाल दादी पत्थर वीवा रोवे मेरे मुकद्दर सो गए यादरी ममता सोईया मेरे मुकद्दर सो गए सब दे चेहरे हो दोनों हाथ तालियां देना सब दे चेहरे लालियां चढ़िया सब दे चेहरे लालियां चढ़िया आई ना वारी मेरी दादिए आई ना मेरी दादिए सगला बढ़िया करते घड़िया सगला बढ़िया करते घड़िया आईना वाली मेरी दादिए 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 आईना वारी मेरी दादी आईना वारी मेरी दादिए आईना वारी मेरी दादिए आईना वारी मेरी दादिए आईना वारी मेरी दादिए बोली मैया बोल बछड़े गल्ला कर दे बोलिया बोली मैया बोल बछड़े गल्ला कर दे बोलिया बोली मैया भोले बचड़े गल्ला करते बोलिया बोली मैया भोले बचड़े गल्ला करते बोलिया बोली मैया ओ मैया ओ मैया भोली मैया भोले बचड़े गल्ला करते बोलिया बोली 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 मैया बोले बचड़े गल्ला करते बोलिया एक तेरे मेरे
जन के आए टोलिया एक देने वेड़े नचदे बन के आए टोलिया सबके चेहरे डालियां चढ़िया दे चेहरे डालियां चढ़िया आई ना बारी मेरी दादिए आई ना बारी मेरी दादिए दोनों हाथ उठाओ तालियों के साथ मैं वरदे वरदे मैया वरदे 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 मैया वरदे वरदे मैं वरदे वरदे दादी वरदे 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 दादी वरदे वरदे खुशियों का वरदे माता खुशियों का वरदे माता खुशियों का वरदे माता खुशियों का वरदे माता तू कृपा कर दे माता तू कृपा कर दे माता मेरे दर पे कड़े सवाली तू भर दे झोली माता वरदे 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 एवें नहीं उठाओ दोनों हाथ कंधे से ऊपर ओए वरदे वरदे दादी वरदे 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 दादी वरदे वरदे खुशियों का वरदे माता खुशियों का वरदे माता तू कृपा कर दे दादा तू कृपा कर दे दादा दर दर पे खड़े सवाली तू भर दे झोली माता वरदे वरदे दादी वरदे 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 दादी वरदे वरदे तू वरदे अपने राजी मैं हर पल तुझे ध्याऊं मैं हर पल तुझे ध्याऊं मैं हर पल तुझे ध्याऊं तेरे नाम से ही मैं जागूं तेरे नाम से ही सो जाऊं तेरे नाम से ही सो जाऊं तेरे नाम से ही सो जाऊं तेरे नाम प्यारा माता तेरा प्यारा माता हर पल का सहारा माता हर पल का सहारा माता मां भवसागर से तारे तेरा एक इशारा माता वरदे वरदे दादी वरदे 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 दादी वरदे वरदे आशा की जो जगा के हम बैठे तेरे द्वारे हम बैठे तेरे द्वारे हम बैठे तेरे द्वारे हम को भी तारो दादी तूने लाखों पापी तारे लाखों पापी तारे तूने लाखों पापी तारे तेरे पे सवाली माता तेरे पे सवाली माता जाए ना खाली माता जाए ना खाली माता हम फूल तेरी बगिया के और तुम हो वाली माता वरदे वरदे दादी वरदे 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 दादी वरदे वरदे माँ का दरबार उठाओ दोनों हाथ और कुछ बच्चे की कहंदे ने वरा दिए दादिए वर दे दे वरा दिए दादिए वर दे दे वरा दिए दादिए वर दे दे जितने खुशियां पहला पावन जितने संता पावन जा जितने सारे बेटा पावन ओ दार दे दे वरा दिए दादिए वर दे दे वरा दिए दादिए वर दे दे ये माँ का दरबार हमारे माँ बाप ने भी इन्हें माँ कह करके बुलाया हम सब इसे माँ कह करके बुलाते हैं हमारे बच्चे भी इसे माँ कहते हैं ये जगत की माँ है इसलिए इसे महामाया आद भवानी जगदम्बे न जाने कितने नामों से बुलाया जाता है वरों की देवी है वरदान दे देती है कल्याणकारी कल्याण करने वाली इसीलिए माँ को कल्याणकारी भी कहा जाता है उठाओ पहले दोनों हाथ तालियां दे नाल सबने मिलके कहना ओए वरदे वरदे दादी वरदे 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 दादी वरदे 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 दादी वरदे वरदे वरा दिए दादिए वर दे दे वरा दिए दादिए वर दे दे वरा दिए दादिए वर दे दे जितने खुशियां पहला पावन जितने सबदा पावन जा जितने सारे पेटा कावन ओ दार दे दे वरा दिए दादिए वर दे दे वरा दिए दादिए वर दे दे तेरे चरणा च होवे मेरी थां दादी है तेरे चरणा च होवे मेरी थां दादी ओ मेरे होठां ते रवे तेरा नां दादी है मेरे होठां ते रवे तेरा नां दादी
और राती सोइए जय माता दी दले दोए जय माता दी सवेरे उठिए जय माता दी सवेरे उठिए जय माता दी हर वेले कहिए जय माता दी ओ पर दे दे बरा दी दाती पर दे दे बरा दी दाती पर दे दे किस किस को अच्छा लगता है माता रानी के दरबार जाना तेरे दरबार आना क्या बात है तेरे दरबार आना क्या बात है तेरे दर सर झुकाना क्या बात है क्या बात है तेरे दरबार आना क्या बात है दोनों हाँ हाँ जी सिटर अगर कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नजर आता है तो अंदर से क्या निकलता है क्या बात है होता है ना किनु किनु सोना लगता है मेरी माँ का दरबार वैष्णो देवी महारानी का भवन किस किस को अच्छा लगता है उठाओ दोनों हाथ और सबने बोलना क्या बात है 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 वो तेरे दरबार आना क्या बात है है तेरे दर सर झुकाना क्या बात है क्या बात है तेरे दरबार आना क्या बात है वो तेरे दरबार आना क्या बात है तेरा दरबार दरबारों में एक है तेरा दरबार दरबारों में एक है जैसे चंदा सितारों में एक है जैसे चंदा सितारों में एक है तेरे दरबार यूं ही मैं तेरे दरबार यूं ही मैं आता रहूं तेरी भेंट तुझी को सुनाता रहूं तेरी भेंट तुझी को सुनाता रहूं तेरा वरदान देना क्या बात है तेरा वरदान देना क्या बात है सबका वरदान पाना क्या बात है तेरे दर सर झुकाना क्या बात है क्या बात है तेरे दरबार आना ओ तेरे दरबार आना क्या बात है तेरे दर सर झुकाना क्या बात है क्या बात है तेरे दरबार आना क्या बात है ओ तेरे दरबार आना क्या बात है देखिए छोटे छोटे नियम हैं आपको काम आएंगे मैं आपको दोबारा मिलूं ना मिलूं आज का ये जो कार्यक्रम था वो 5 बजे से 8 बजे तक का था लेकिन शायद कोई जान के तो नहीं करता मगर परिवार वाले शायद जरूर से ज्यादा लेट आए और जो समय था वो लगभग 1.5 घंटा पूजा का सामान नहीं आया लेट हो गया कभी भी पूजा पाठ कराओ इसका टाइम हमेशा इसको देना चाहिए हमेशा जब भी कभी इसके दरबार आओ ऐसा टाइम एनु देना चाहिए जब भी कभी इसके दरबार आओ कभी भी बिना मत्था टेक के कभी ना पीछे जाके बैठो मंडली कोई हो उससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन नियम परमात्मा का खुद से शुरू होता है जब भी कभी पूजा पाठ कराओ हमेशा इसके चरणों में बैठो पहला नियम दूसरा नियम कभी भी अपने घर के मंदिर में भी पूजा पाठ करो कभी खुले वाल नंगे सिर कभी पूजा ना करो ये बहुत बड़ी लोगों की गलतफहमी है कि गुरुद्वारे का नियम है मैं आपको ग्रंथ का नाम बता रहा हूं इजीली मार्केट में मिलता है लगभग 4700 साल पुराना है ग्रंथ का नाम है देवी भागवत पुराण 4700 साल पहले किसने लिखा थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए हमारे हिंदू धर्म की ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा उसमें क्या लिखा हुआ है बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं मैंने पहले ग्रंथ का नाम बताया किसी को प्रमाण देखना हो चेक कर सकता है उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि घर का कोई प्राणी जो नंगे सिर
खुले बाल पूजा पाठ करते हैं उस घर में कभी दवाइयां खत्म नहीं होती, उस पूजा का कभी उसे फल नहीं मिलता, सारा जीवन जो नंगे सिर होती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में ये नियम है परमात्मा का, जब भी पूजा पाठ करो हमेशा अपने बच्चों को सिखाओ। आज जमे बच्चा पढ़ता है, बड़ा होया, अभी एक कंजक आई सी माता रानी, क्या वो प्योर सोल स्वयं देवी, उसने आते ही क्या किया, उसे किसी ने कहा छोड़ी है। जैसा वातावरण आप घर में बनाओगे वैसा बनेगा, हमारे अपने ऊपर बहुत निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि पैसा खर्च करो, रोज मंदिरों में जाओ ना जाओ, मत जाओ, मैं बड़ी स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, लेकिन अपने घर के अंदर अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। हम सबका अगर सनातन धर्म में जन्म हुआ है तो हमें अपने धर्म को अच्छा कहना भी चाहिए, मानना भी चाहिए और उसे अमल भी करना चाहिए। सभी धर्म अच्छे हैं। दूसरा नियम, कभी भी किसी की बातों में आकर अपने गुरु मत बदलो। अपने गुरु मतलब मान लो अगर बेटियां हैं जब ससुराल जाती हैं तो वहां जो उनके कुल गुरु हैं अपने ससुराल, कदी किसी की गलना चाह के कोई तुम लख समझ आए सारे गुरु चंगे, बिल्कुल ठीक, सभी गुरुओं का आदर मान करो, किसी की निंदा चुगली ना पढ़ो ना लिखो ना करो, लेकिन अपने गुरु जो आपके कुल गुरु हैं, आपके पूर्वजों ने, आपके पितरों ने जिनको गुरु बनाया, जरूर उनको पूजो। अपने घर के अंदर जानबूझकर एक मिट्टी की गुल्लक ले लो, बुगनी बोलते ना बैंक, जानबूझ के मिट्टी की लेनी है, उसमें कुछ ना कुछ डालो, अपने बच्चों से डलवाओ। और जब अपने गुरुओं के पास जाओ वो जानबूझकर मंदिर के आगे, अपने घर के मंदिर के आगे उस गुल्लक को तोड़ो, लेकिन किससे तोड़वानी है, बच्चों से, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपके कुल गुरु को पूजे, उनको आदत पड़े, जो उसमें से निकले कुछ होर मिलाओ, अपने बच्चियां कोलो, अपने गुरुआ कोल जाके उन्होंने चरना चाहते, अगर गुरु विराजमान नहीं है तो जो दान पात्र उसमें डलवाओ। ये कौन करेगा, ये आप सबको अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए खुद करना पड़ेगा। कोई अगर आ करके आपको नहीं कहेगा, बहुत जरूरी है अपने कुल गुरु को अपने घर के मंदिर में स्थान दो, माता रानी का दरबार। तीसरा नियम, कभी काले कपड़े पाके पूजा पाठ नहीं कराओ अपने घर का। चौथा नियम, जब भी इसके दरबार आओ, घर के आसपास 200 किलोमीटर दूर वृंदावन जा रहे हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, जाओ, सोशल मीडिया पर अपडेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, करो, लेकिन घर के पास जो गली च मंदिर है क्या उधर रब नहीं है, वहां पर भी तो है ना वही भगवान। अपने घर के आसपास मंदिर जाओगे तो बच्चियां नूं आदत पड़ेगी। आखिरी नियम, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जबरदस्ती, अपने बच्चों को जबरदस्ती आदत डालो जो जगाने के, रोज टोको, एक दिन दो दिन महीना दो महीने साल पांच साल दस साल रोज इको काम करना, बेटा जो जगा, पुत्र जो जगा। जिस दिन आपके बच्चे ने खुद आपको कह दिया कि मां मम्मी दादी नानी जो आपका रिश्ता है कि मैं जो जगह, आप समझ लेना आपने अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक हिंदू परिवार दे दिया। इसमें कोई पैसा नहीं लगना,
और जब करो बाहर निकलो अपने बच्चों को भी शिक्षा दो, खुद भी अमल करो। अपने बीवी बच्चों के लिए तो दुनिया कर रही है, पता नहीं हम कितनों के मुंह के निवाले छीन के अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं। आप बस इतना कर दो, जब घर से बाहर निकलो कोई गरीब नजर आ जाए, अपने गुरु अपनी माता रानी जिन्हों मन दे मन च बोलो हे माता रानी इसे भी खुशहाल कर दो, ओनू पता ना लगे। कोई बीमार नजर आए माता रानी ओनू भी ठीक कर दो। कोई बुजुर्ग नजर आ जाए माता रानी इनका बुढ़ापा अच्छा निकालना। कितनी देर लगती है? कोई बेघर नजर आ जाए, सर्दियां आ रही हैं, हर घर में हर इंसान के पास जो खुशहाल है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गर्म कपड़े जरूर होते हैं जो अलमारी में हमेशा पड़े रहने हैं पूरे साल, यूज नहीं करने। अपने बच्चों को नहा लो, रात को रोटी खाओ, गाड़ी में निकलो, कोई गरीब नजर आ जाए दे दियो। अगर किसी एक को भी उस कपड़े से सर्दी नालों तो बचाव हो गया तो आपकी भी हाजिरी परमात्मा के दरबार लग जाएगी। वो शायद 10 बार वृंदावन जाने से ज्यादा लाभ है। गर्मियां आए, छोटी छोटी वाटर बॉटल्स इजीली मार्केट में मिलती है, अपनी गाड़ी में रख लो, रस्ते में कोई नजर आ जाए पानी की बोतल दे दे। अन्न का दान, जल का दान इतना लाभ करता है, कारोबार बरकत पाता है, कार्य खुशहाली आती है, लड़ाइयां बंद हो जाती है, घर में एका हो जाता है, प्यार हो जाता है, बहुत तरीके हैं। सच्चे दरबार की जय। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी मांगना माता रानी के दरबार। उठाओ जी दोनों हाथ, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल 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 मेरे नाल नाल चल, चल 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 मेरे नाल नाल चल, चल 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 मेरे नाल नाल चल, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल भाई चल मेरे नाल नाल चल। ओए दिल मालिका तेनू मां बठाना ए, दिल मालिका तेनू मां बठाना ए, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना ए, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना ए, चल मेरे नाल तेनूं लै के जाना ए। एवें नहीं, उठाओ दोनों हाथ, दोनों हाथ। आप सबको एक न्योता है, अगर अपने जीवन में जीते जी स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मैं तुहानू एक जगह बुला रहा, एक बार आ जाना। उसके बाद जब तक जीवन रहेगा आप हर साल आओगे, दिवाली के बाद दूसरा शनिवार, दिवाली के बाद दूसरा शनिवार हर साल कटरा। हर साल दिवाली के बाद दूसरा शनिवार इस बार रहेगा 25 नवंबर कटरा, वैष्णो देवी बुला रहे हैं आप सबको। अपना आना, अपना रहना, अपना खाना पीना, ना यहां ना वहां, आपसे कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा। करना क्या है, खासियत क्या है, हर साल एक कोशिश शुरू की गई है। 500 लोगों ने शुरू किया था 2010 में, ये 14वां साल है और कोविड के अंदर भी इसमें ब्रेक नहीं हुआ, ये माता रानी की कृपा। 51,000 देसी घी के दिए जलाए जाते हैं और वैष्णो देवी कटरा ऊपर नहीं नीचे मेन बाजार में एक स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाणगंगा रोड पर, वहां पर दिवाली मनाई जाती है।
सुबह के समय पूरी कटरा की सड़कें, हजारों लोग, 500 लोगों ने शुरू किया था, 15,000 लोग जुड़ गए जो पूरी दुनिया से आते हैं अपने अपने खर्चे से, सब मिलकर के सड़कें धोते हैं, फूल बिछाते हैं और माता रानी की पालकी निकाली जाती है। हर साल दिवाली के बाद दूसरा शनिवार एक बार आ जाओ, आपने अपने जीवन में ऐसी दिवाली नहीं मनाई होगी, ना अपने आदमी वास्ते, ना अपनी जनानी वास्ते, ना अपने बच्चिया वास्ते, अपने वास्ते। हम सब का भी तो जन्म हुआ है। चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चमुंडा जी, कांगड़ा जी, नैना देवी, यहां से ज्योतें आती हैं, उन ज्योतों से 51,000 दिए जलाए जाते हैं। इस बार भी हर वर्ष की तरह अलग अलग टीवी चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होता है, इस बार भी रहेगा। साधना चैनल पर रहेगा 25 नवंबर के दिन शाम को, लेकिन जो सुबह वाला कार्यक्रम है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। कैसे हजारों लोग मिलकर के दिए सजाते हैं, आसान नहीं है 51,000 दिए, एक एक दिए में देसी घी गर्म करके डालना, बत्तियां डालना, रुई की बत्तियां बना के डालना, बहुत समय लगता है, लगभग 7-8 घंटे लग जाते हैं। और रात को कितनी संगत होती होगी अंदाजा इसी से लगा लो, उन्हें जगाने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। आप सबको बुलावा, एक बार आ जाओ, आपने अपने जीवन में ऐसी दिवाली नहीं देखी होगी। अगर माँ बुलाए, अगर माँ हिम्मत दे, अगर ये शॉर्ट नोटिस है तो अगले साल आप आ सकते हो। 9 नवंबर रहेगा, तारीख फिक्स नहीं है, दिन फिक्स है, दिवाली के बाद दूसरा शनिवार। आप इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाता है इस कार्यक्रम के लिए, आप सबको बुलावा माता रानी के दरबार। और इस 25 नवंबर के अलावा कभी भी आप वैष्णो देवी जाओ, हमारा नंबर ले लीजिए, हम कौन है किसी को कोई सुविधा देने वाले। एक छोटा सा घर बनाया गया कटरा वैष्णो देवी मेन बाजार में, रहना खाना पीना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नाम है माँ का घर कटरा वैष्णो देवी। उठाओ दोनों हाथ, तालियां देना सारे, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल 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 मेरे नाल नाल चल, चल 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 मेरे नाल नाल चल, चल 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 मेरे नाल नाल चल, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल माये चल मेरे नाल नाल चल, चल भाई चल मेरे नाल नाल चल। वे दिल वाली माल की तेनु मां बिठाना है, चल मेरे नाल तेनु कार लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनु कार लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनु दोनों हाथ उठाओ तालियों के साथ सारे। मजे अनगढ़ पता लगे जहानू, मजे अनगढ़ पता लगे जहानू, घर में बेटी की शादी है, केड़ा केड़ा इस बिटिया नू आज दी अपनी अपनी चौकी दा फल। सगन ब्याह होता ना घर, सगन दुनिया मानदी है, केड़ा केड़ा आज अपनी अपनी चौकी दा फल इस बिटिया ने चोली पाना चाहता है, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन। उठाओ दोनों हाथ सारे। वजिया नगड़ पता लगिया जहानू, वजिया नगड़ पता लगिया जहानू, शिव शंभू आए आज गोरा देवे आनू, शिव शंभू आए आज गोरा देवे आनू, शिव शंभू आए आज गोरा देवे आनू, वजिया नगड़ पता लगिया जहानू, वजिया नगड़ पता लगिया जहानू, शिव शंभू आए आज गोरा देवे आनू, शिव शंभू आए आज गोरा देवे आनू, शिव शंभू आए आज गोरा देवे आनू। कहंदिया सहेलियां ने केड़ा सोना लड़ाए, चंद जे लंबा जिया लाड़ा है, कहंदी सहेलियां ने केड़ा सोना लाड़ा, चंद जे
शिव शंभु आए अज गोरा दिव्यान शिव शंभु आए अज गोरा दिव्यान शिव शंभु आए अज गोरा दिव्यान दोनों हाथ तालियां देना सारे मेरा कल्याण लगदा जी मेरे घर आ माता मेरा कल्याण लगदा जी मेरे घर आ माता कल्याण लगदा जी मेरे घर आ माता आ माता आ माता कर आ माता आ माता आ माता आ माता कर आ माता मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन लगदा ना जी मेरे घर आ माता मेरा कल्याण लगदा जी मेरे घर आ माता कल्याण लगदा जी मेरे घर आ माता दीनन के दाता शिव शंकर सबकी करो सहा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आखिर में एक प्रार्थना जब भी कभी आपको शादी का न्योता आए जरूरी नहीं कि आपको बेटी की तरफ से आए या बेटे की तरफ से आए लेकिन जो बेटियां होती हैं ना जिसका ब्याह है वो तो सांझी होती है सब दियां तियां आज से एक नियम बना लो जो जयमाला होती है जो बेटी आती है ना अपना सिर अपना हाथ अपनी जो भी बेटी है जानते पहचान हो ना हो आशीर्वाद जरूर देखे आए सिर से हाथ रख के जरूर आओ जाती है राजी रही ये बहुत जरूरी है अपने बच्चों को साथ ये संस्कार छोटे छोटे देना शुरू करो आने वाली पीढ़ियों तक ये कैसे पहुंचेंगे सच्चे दरबार की और जो यहां बुजुर्ग बैठे हैं एक डायरी बनाइए जो यंगस्टर्स बैठे हैं मिडिल एज बैठे हैं अपने बुजुर्गों के पास बैठ के एक डायरी बनाओ उस डायरी में पूरे साल के जो आपके दिन त्योहार हैं जो आपके रिचुअल्स हैं रीति रिवाज हैं वो लिख लो अमावस्या ते की करी दे पूर्णमासी ते की करी दे टुबड़ी दा मेला है की करी दे कर बाल बच्चा होए ते की करी दे ब्याह ते की करी दे कुड़चड़ी ते की करी दे कौन बताएगा आज से 20 साल बाद आने वाली पीढ़ियों को बहुत जरूरी है जरूरी नहीं कि आपके बच्चे उस डायरी को पढ़े ये भी पक्की बात है लेकिन आप तो अपना कर्म करके जाओ आप तो अपनी धरोहर यूं वेस्ट मत करो अपने बच्चों को दे के जाओ सच्चे दरबार की जय।